बुद्धिमान को संकेत और मूर्ख के लिए फटकार। तुम्हें जो मिला है वो सबको नहीं मिलता। किसी मूर्ख की तरह इसे फटकार समझने की जगह किसी बुद्धिमान की तरह इसका सही उपयोग करो। शिखर उस इंसान से ये बात सुन अचरज में पड़ गया था। पीछे मुड़कर उस ओर देखता है और मरम्मत करने वाला बड़े ही प्यार से जवाब देता है, आपके शुभचिंतक ने आपको ये संदेश देने को कहा था और पैसा भी हमें शुभचिंतक ने दे दिया है। इतना बोल वो बोट मोड़कर वापस जाने लगता है। शिखर उनके पीछे जाने ही वाला होता है कि अपने आप को रोक लेता है। उसे पता है कि उनके पीछे जाकर कोई फायदा नहीं होगा और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, मैं भी ये सोचते हुए हैरान था कि मुझे बचाने कोई क्यों नहीं आया उस टापू पर शुभचिंतक की तरफ से। हमेशा जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ शुभचिंतक कहीं ना कहीं से आ ही जाता है मुझे बचाने। मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। अब मजा आएगा मेरे इस खेल में मेरे प्यारे शुभू। मुझे पता है मेरा अगला कदम क्या है, कैसे तुम्हें सामने लाना है। शिखर किनारे तक जाता है और सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। निधि भी यहाँ आई हुई है कप्तान से मिलने। शिखर को निधि शुक्रिया अदा करती है। शिखर बदले में कप्तान को धन्यवाद देते हुए कहता है, अगर तुमने सही समय पर टापू को ना मोड़ा होता तो आज हम में से कोई यहाँ नहीं होता। आज के बाद मुझे अगर कभी किसी कप्तान की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आपको ही याद करूंगा। कप्तान भी मुस्कुराते हुए अपने सर के पीछे हाथ फेरते हुए कहता है, ये तो आपका बड़प्पन है शिखर सर। शिखर होटल के अपने कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ बबीता का इंतजार कर रहा है। उसने बबीता को तत्काल यहाँ आने का संदेश भेजा था। शिखर को पता था कि उसके अगले कदम से शुभचिंतक की जरूर कोई ना कोई बड़ी प्रतिक्रिया आएगी। कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बबीता अंदर आती है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुझसे अभी के अभी मिलना था आपको। शिखर के कमरे की सारी लाइट्स बंद थी। बबीता जैसे ही लाइट्स जलाती है कमरे के चारों ओर देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बबीता अपने माथे पे शिकन के साथ पूछती है, ये सब क्या है, घर में चारों ओर जमीन पे किताबें क्यों फेंक रखी है तुमने। शिखर का कमरा जो कभी बुक शेल्फ पे रखी किताबों से भरा होता था आज वो बुक शेल्फ खाली थे और उनमें रखी सारी किताबें कमरे के जमीन पर इकट्ठा पड़ी हुई थी। बबीता उनमें से एक किताब उठाने लग जाती है और हाथ में लेते हुए पूछती है, ये सब गीले क्यों हैं और ये महक कैसी है, क्या किया तुमने। बबीता अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक जाती है और शिखर की ओर देखती है जो एक शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पे लिए वहाँ बैठा हुआ है। शिखर धीरे से अपनी जेब से एक माचिस निकालता है और उसकी एक तीली में आग लगाते हुए बबीता की तरफ देखता है। बबीता डरते हुए किताब वापस रखकर कुछ कदम दूर हो जाती है। पागल मत बनो शिखर, बबीता ने चिल्लाते हुए जैसे ही ये बोला शिखर अपने हाथ से वो तीली उन किताबों पर फेंक देता है और बस एक ही पल में कमरे के बीचों बीच उन किताबों के ढेर पर आग लग चुकी है, मानो उन किताबों की चिता जल रही हो। बबीता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, वो बस अपनी जगह पर जमी हुई थी और शिखर की ओर देखते जा रही थी। उसे शिखर से डर लग रहा था, न जाने शिखर इस पल अपने पागलपन में उसके साथ क्या कर जाए। शिखर अपनी कुर्सी से उठता है और बबीता की तरफ बढ़ता है। बबीता के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। शिखर उसके पास आकर उससे उसका फोन मांगते हुए कहता है, मुझे शुभचिंतक से बात करनी है, उसे बताना है मैंने अभी क्या किया उसके दिए हुए तोहफे के साथ। मेरा फोन तो वो उठाता नहीं, तुम्हारा जरूर उठाएगा और उसे ये बात अभी बताना जरूरी है। ये बोल शिखर अपना हाथ आगे करता है। बबीता अपना पर्स खोलती है और शिखर के हाथ में फोन देती है। इस पल वो किसी भी हाल में शिखर को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। शिखर फोन हाथ में लेते हुए अपने शुभचिंतक को फोन लगाता है। थोड़ी देर रिंग होकर फोन कट जाता है मगर कोई फोन नहीं उठाता। शिखर पलटकर कमरे में उन जलती किताबों का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और शुभचिंतक को भेज देता है। तुरंत बबीता के फोन की घंटी बजने लगती है। शिखर हंसते हुए फोन उठाता है। वहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरे प्यारे शुभू, यहाँ तो बहुत गर्मी है, आखिर तुम्हारी दी हुई सारी किताबें जो जला रहा हूँ। ये बोल जोर जोर से हंसने लगता है मगर दूसरी ओर शुभचिंतक का जवाब सुन उसकी सारी हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शुभचिंतक एक शांतिपूर्ण आवाज में कहता है, तुम ये किताबें नहीं अपना भविष्य जला रहे हो, वैसे ही जैसे तुम्हारे बाप ने जलाया था। शिखर लड़खड़ाते हुए पास की कुर्सी पर जा बैठता है और सोचता है, मेरे बाप ने ये क्या बोला, इसने इसको मेरे पिता के बारे में कैसे पता, मेरा जानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा है, फिर ये कौन है। इससे पहले शिखर पलटकर शुभचिंतक से कुछ पूछे फोन पर दूसरी ओर से आवाज आती है, आज से तुम्हें दो किताबें पढ़ने पर एक किताब का पैसा मिलेगा और वो भी किताब तुम्हें खुद से खरीदनी होगी,
और फोन काट देता है। शिखर फोन कटने के बाद भी फोन पर अपने सवाल चिल्लाते हुए शुभचिंतक से पूछ रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है उसके साथ। बबीता पास आकर उसके हाथ से अपना फोन एक झटके से ले लेती है और जब तक शिखर मुड़कर उसकी तरफ देखता, बबीता वहां से जा चुकी थी। कुछ घंटे बीत चुके थे मगर शिखर अब तक उसी कुर्सी पे वैसे ही बैठा हुआ था। उसके मन में शुभचिंतक की कही बात ही घूम रही थी। आखिर कौन है ये शुभचिंतक और इसे मेरे घर वालों के बारे में कैसे पता? मैंने इतना सब किया फिर भी इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? इतना शांत क्यों था वो? क्या राज है शुभचिंतक का? तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। शिखर उस ओर मुड़ता है तो देखता है बबीता तेज कदमों के साथ उसके पास आ रही थी। बबीता अपने साथ लाई हुई एक कागज दिखाते हुए कहती है, मैंने शुभचिंतक को अपना इस्तीफा भेज दिया है, बस तुम्हें बताना बाकी रहता था। पहले जो शिप पे हुआ फिर ये, ऐसे माहौल में काम करना मुझसे नहीं होगा। यहाँ से जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए, और पलट कर जाने लगती है। तभी कुर्सी पर बैठा शिखर पीछे से एक धीमी आवाज लगाता है, बबीता। शिखर की दर्द भरी आवाज बबीता को वहीं रोक देती है। बबीता जैसे ही पलट कर देखती है शिखर उसे गले लगा लेता है। शिखर की आंखें नम थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। शिखर बबीता को कस कर गले लगाते हुए कहता है, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ बबीता। बबीता सुन्न पड़ जाती है। शिखर का ये रूप उसने आज तक नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा बच्चा किसी अपने से बिछड़ने के गम में रो रहा था। शिखर का गला भारी हो आया था। वो हकलाते हुए कहता है, यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तुम हो जो मुझे हर आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश करती रहती हो, और मैं उल्टा अनजाने में तुम्हें ही चोट पहुंचाता रहता हूँ। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, और अगर अब इस वजह से तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं टूट जाऊंगा। एक और अपने के खोने का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा बबीता। बबीता को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि क्या ये वही शिखर है जो कुछ देर पहले तक बात बात पे उसे धमकाया करता था? क्या अंदर ही अंदर शिखर इतना कमजोर है और बाकी सबका एक दिखावा था? बबीता के गालों पर शिखर के आंसू की एक धारा महसूस होती है। शिखर के मन की बात जानने के बाद बबीता का मन नहीं मान रहा था उसे छोड़कर जाने को, और वो कहती है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी छोड़कर, मगर बदले में तुम आज से पहले जैसा व्यवहार कभी नहीं करोगे मेरे साथ, मंजूर है? शिखर हामी में सर हिलाता है और बबीता उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। शिखर जिसने अब तक बबीता को कसकर गले लगाया हुआ था, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। मगर क्या ये खुशी की मुस्कान थी या शिखर की कोई नई चाल अपने शुभचिंतक के और करीब आने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे नहीं पता मैं इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। कैफे में बैठा रवि शिखर को ये बात बोल रहा था। रवि एक आह भरते हुए अपनी बात जारी रखता है, बबीता का दिल जीतने का मौका तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मगर मौका मिले भी तो कैसे? उसने मुझे अपनी शक्ल दिखाने तक से मना कर दिया है। होटल में भी मेरी एंट्री बंद है, अब करूं तो क्या? रवि अपनी दुविधा की गाथा सुनाई जा रहा था। शिखर उसे समझाते हुए कहता है, बबीता को जबरदस्ती मनाने की जगह थोड़ा इंतजार करो, कोई ना कोई मौका जरूर सामने आएगा। जब बबीता तुम्हारा दर्द देख पाएगी, तुम्हारा ये पछतावा देख, उसका दिल एक ना एक दिन जरूर पिघलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। अपने आप को दिलासा देते हुए रवि शिखर की बातों में हामी भरते हुए कहता है, बबीता के लिए जितना हो सकता है मैं उतना इंतजार करने को तैयार हूँ। शिखर को रवि की बातें सुन मन ही मन दुविधा जाग रही थी। बिना कुछ बोले रवि की ओर देखते हुए शिखर मन ही मन यही सोच रहा होता है कि मुझे माफ कर देना रवि, मैं जो भी करने आया हूँ उसके लिए। अभी मैं तुझे पूरी बात नहीं बता सकता, पर मुझे तुझ पर इतना यकीन है कि जब तुझे सारी बात पता लगेगी तो मुझे जरूर माफ कर देगा। अपने घर पर अकेली बैठी अनन्या के मन में बार बार शिप पर शिखर का उसका जान बचाना याद आ रहा है। उसके मन में यही सवाल उठ रहा है कि एक तरफ मैं शिखर का होटल हत्याना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ शिखर जो बार बार बिना अपनी जान की परवाह किए मुझे बचाने कूद पड़ता है। काश हम होटल की वजह से पैसों की मुसीबत में ना फंसे होते, काश मैंने पापा को शिखर से होटल वापस लेने का वादा ना किया होता, तो मुझे शिखर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर मुझे अपने आप को उसके करीब आने से रोकना भी नहीं पड़ता। तभी कोई अनन्या का गेट खटखटाता है और अनन्या जैसे ही सामने खड़े इंसान को देखती है उसके गले से लिपट जाती है और कहती है, पापा आप अचानक यहाँ? मिस्टर शाह भी अपनी बेटी को गले से लगा के कहते हैं,
इतने दिनों से तुम गायब थी, आज जैसे ही तुमने बताया कि तुम वापस आ गई हो तो मैं तुरंत बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके आ गया अपनी बेटी के पास। अनन्या और मिस्टर शाह दोनों अंदर कमरे में बैठते हैं और अपने हाथों से कॉफी की चुस्की लेते हुए, जो मिस्टर शाह ने बड़े प्यार से अनन्या के गुजारिश करने पर बनाई थी, मिस्टर शाह अपना गला साफ करते हुए पूछते हैं, वैसे होटल के बारे में तुम कुछ कर भी रही हो या भूल गई? अनन्या अपने पिता के हाथ पर अपने दोनों हाथ रख उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, दिन रात मेरे दिमाग में बस यही बात चलती रहती है, ये होटल कैसे वापस अपने नाम करवाना है, और मुझे यकीन है वो दिन जल्द ही आएगा। मिस्टर शाह अपना हाथ पीछे खींचते हुए पूछते हैं, तुम कॉलेज छोड़ छुट्टियां मनाने शिप पर गई थी, लगता है कॉलेज से मन भर गया है तुम्हारा। अनन्या अपने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहती है, शिखर को शीना के साथ अकेले नहीं जाने दे सकती थी, अगर मैं साथ नहीं गई होती तो अब तक होटल हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल चुका होता। मिस्टर शाह अनन्या की आंखों में आंखें डाल पूछते हैं, दिल में क्या है तुम्हारे, होटल या शिखर? अनन्या आगे झुकती हुई पूछती है, मतलब? मिस्टर शाह तंज कसते हुए जवाब देते हैं, कहीं उस शिखर के प्यार में तो नहीं पड़ गई हो तुम? अनन्या टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारा होटल वापस चाहिए, मुझे शिखर के करीब आने का कोई शौक नहीं है, जिस दिन हमें हमारा होटल वापस मिल गया उस दिन के बाद मैं पलट कर भी नहीं देखूंगी उस शिखर की तरफ, ये मेरा वादा है पापा। अनन्या ने ये वादा कर तो दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आखिर में वो क्या चाहती है। देर रात अपना काम खत्म कर शीना वापस घर आती है और जैसे ही अपने दरवाजे में चाबी डालती है दंग रह जाती है कि उसके घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। शीना धीरे से अपने फोन से पुलिस को फोन लगाते हुए घर के अंदर जाती है, तभी उसकी नजर घर में झूले पर बैठे किसी की परछाई पर पड़ती है। शीना को देख वो परछाई झूले से उठती है और शीना की तरफ बढ़ती है, थोड़ा करीब आने पर उसका चेहरा दिखता है। शीना चौंकते हुए नीचे जमीन पर गिर जाती है और घबराहट में छटपटाने लगती है। वो परछाई एक औरत की थी जो शीना के करीब आते हुए कहती है, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया तुमने, और अब जो किया है तुमने उसके बाद मुझे इतने समय बाद फिर से खुद तुमसे मिलने आना पड़ा। कौन थी औरत और क्या अतीत है इसका शीना के साथ? क्या शिखर की नई चाल उसे शुभचिंतक की पहचान बता पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।